वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कल राजस्थान सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया। हालांकि इसमें उनका कहना है, राजस्थान सरकार के तमाम मंत्रियों का कहना है कि इसमें सभी वर्गों को छुआ गया है और सभी वर्गों को कुछ ना कुछ दिया गया है, भले ही वो फिर महिलाएं हो, बेरोजगार युवा हो, शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, सुरक्षा की बात हो। लेकिन आज हमारे साथ राजीव गांधी युवा मित्र खड़े हैं, इनसे जानेंगे क्या वाकई में इस बजट में सभी वर्गों को और विशेष तौर पर इन बेरोजगार युवाओं को छुआ गया है, क्या कहना चाहिए। सर, हमारा तो इतना ही कहना है कि जैसा कि हम सब 5000 युवा मित्रों के परिवार को उम्मीद थी कि जो राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी जब बजट का ऐलान करेंगी तो हम 5000 युवाओं के घर वालों के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिलेगी, पर जैसा कि हमने कल पूरा बजट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा, पर उसमें कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया कि राजीव गांधी युवा मित्रों को पुनः रूप से बहाल किया जाए। भाई साहब, ये राजीव गांधी युवा मित्र का तो विशेष तौर पे सही कह रहे हैं आप, नाम नहीं लिया, लेकिन ये भी कहा है कि हर साल 1,00,000 नौकरियां बांटेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप लोग भी कहीं ना कहीं उन्हीं नौकरियों में शामिल कर लिए जाओगे? हमें नहीं लगता कि उन नौकरियों में शामिल कर लिए जाएंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार है एक तरह से चलावा कर रही है। क्योंकि जो बजट पेश होने से पहले हमने बीजेपी के जितने भी जो मंत्रीगण थे उनके दरबार पर जाकर के हमने मतलब याचना की थी, लेकिन हमें उम्मीद थी 10 तारीख को कि बजट में युवा मित्रों का कुछ न कुछ मतलब बीजेपी सरकार करेगी, जब युवाओं का इतना सोच रखती है, लेकिन हमारे लिए उन्होंने निराशा याद लगी। और हमको बार बार मतलब इतना विश्वास था, पूर्ण विश्वास था, क्योंकि किसी भी मंत्री के पास हम गए थे, सबने ज्ञापन दिया, आश्वासन दिया हमको कि आपका कुछ न कुछ बजट में करेंगे, लेकिन बजट से देख करके इसमें हम युवा मित्रों को कुछ नहीं दिया, उससे हमारे युवाओं में बहुत बड़ा आक्रोश है और बहुत ही जल्दी एक बड़ा निर्णय लेंगे, एक महाआंदोलन की तैयारी करेंगे। क्योंकि जो बाधा के और पहले भी हमने जो 72 दिन का आंदोलन किया था, तो जब भी सरकार के शासन और प्रशासन ने हमको एक डेलीगेशन के माध्यम से आश्वासन दिया था कि आचार संहिता हटने के बाद में आपको वापस से मतलब राजस्थान विकसित उसमें युवा मित्र बना दिए जाएंगे, लेकिन वो भी हमारे साथ एक झूठा वादा किया था। तो देखिएगा सर, सरकार पे अब विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि युवाओं का क्लब उसमें दिखावा कर रखा है, बाकी युवा कुछ दिया नहीं है। अभी शाम को मदनलाल दिलावर जी भी कह रहे थे कि 17 वैकेंसी और उन्होंने क्या है कि कैलकुलेशन कर भी दिया, उन्होंने 20,000 की नियुक्ति भी कर दी, तो कहाँ से नियुक्ति कर दी, किसने देखा कोई नियुक्ति कर दी? तो एक तरह से युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी सरकार। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि 72 दिन का करीब करीब आंदोलन आपने किया था और शहीद स्मारक पे भी आप लोग बैठे थे और वहाँ से भी आप आश्वासन लेकर उठे, और कल ही की हम एक घटना आपको बताएं कि कोटा के अंदर कुछ युवा मित्रों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है कलेक्ट्रेट पे, और ये सौगंध उठाई है कि जहाँ पर भी भले वो उपचुनाव हो या पूरे भारत में जहाँ पर भी बीजेपी चुनाव लड़ेगी वहाँ पर ये तमाम युवा मित्र जाएंगे और उनका विरोध करेंगे। क्या इस प्रकार की कोई योजना आपकी है, या आप किसी भी प्रकार का आश्वासन अगर आपको मिल जाए तो ऐसी किसी भी प्रकार की योजना का आप हिस्सा नहीं होंगे? सर, जैसा कि हम युवा मित्रों ने ऐलान किया था, अगर हमें सरकार बहाल कर देती है तो हम किसी भी तरीके से ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे सरकार हमारे फैसले के खिलाफ जाए, पर अगर सरकार हम युवा मित्रों के बारे में नहीं सोचती है तो कहीं ना कहीं आगे चल के रणनीति बना के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, अर्धनग्न प्रदर्शन या कलेक्टिव प्रदर्शन हम इसकी योजना बना सकते हैं। सर, कोई डेडलाइन आपकी तरफ से सरकार की ओर से दी गई है या आप हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? सर, डेडलाइन तो हमें तो बस यही उम्मीद है सरकार से कि हम जल्द से जल्द हम 5000 युवा मित्रों के को बहाली का एक शुभ संदेश दिया जाए, अन्यथा आवेश में आकर जैसे कि हम 72 दिन पहले हम धरने पे बैठे रहे, उसके बाद जब 72 दिन तक उन्हें हुआ तो आवेश में आकर कुछ युवा मित्र हमारे टंकी पे चढ़ गए थे, तो इस दौरान जब जो सरकार का डेलीगेशन बैठाया गया था उसमें जयपुर के कलेक्टर साहब थे, कमिश्नर साहब थे और मुख्यमंत्री सीएम साहब के जो मुख्य सचिव सिद्धार्थ सिहाग साहब थे और एडीएम लोकेश मीणा जी थे, तो इन सब अधिकारियों के एक डेलीगेशन प्राइवेट रूम में कराया गया, तो उसमें ये सहमति बनी कि जब केंद्रीय चुनाव की आचार संहिता हट जाएगी तो उसके बाद हम युवा मित्रों को एक नई योजना के तहत बहाल कर दिया जाएगा। पर अब चुनाव की आचार संहिता भी हट चुकी है और जैसा कि आप जानते हो एक महीने से ऊपर हो गया आचार संहिता ख़त्म हुए, पर अभी तक हम युवा मित्रों को एक ऐसा संदेश नहीं दिया गया जिससे हमें लगे कि हम युवा मित्रों को हमको बहाल कर दिया जाएगा। जो भी नई योजना विकसित राजस्थान संकल्प योजना नौकरी देने के लिए जो हमें आश्वासन दिया गया था, पर
इसके बाद हम आचार संहिता के बाद हम लोगों ने हर बीजेपी के जो भी नेता मंत्री विधायक हैं, विधायक आवास में भी हम कई विधायकों से मिले, मंत्रियों से भी मिले, तो सभी जगह से हम लोगों को यह आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोगों का काम चल रहा है। सीएम साहब तक ये बात पहुंच चुकी है और अब हम कल जब हमने ये बजट पूरी तरह से बैठकर सुना पर बजट में भी हमें निराशा के अलावा कोई हमारे बात हाथ लगी नहीं, तो अब हम युवा मित्र जो 5000 का परिवार है, सब युवा भाई एक साथ हैं, तो हम सब मिलकर बैठ के सोचेंगे कि आगे चल के क्या रणनीति बनाया जाए ताकि सरकार का ध्यान हमारे युवा मित्रों की बहालियों की ओर खींच सके। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार बने हुए करीब करीब 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और कल जो पूर्ण बजट पेश किया गया उसमें इन युवा मित्रों को, जो करीब 5000 की इनकी संख्या है, राजीव गांधी युवा मित्र, इनको पूर्ण तरीके से, इनको ये लग रहा था कि शायद इस बजट में हमारे लिए कुछ हो जाए, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया ये सरकार के तमाम मंत्रियों से मिल चुके हैं, सरकारी अधिकारियों से मिल चुके हैं, 72 दिन की इन्होंने हड़ताल भी करी थी, लेकिन उसके बाद भी इन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला और कल के बजट में भी इन्हें निराशा ही हाथ लगी। अब इनका कहना है कि सरकार तक एक बार और हम हमारी बात पहुँचाएंगे और अगर हमारी बात पर कोई निर्णय नहीं होता है, हम 5000 लोगों को अगर बहाली नहीं मिलती है, तब आगे एक और बड़े प्रदर्शन की ओर ये ज़रूर जा सकते हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।